नाबालिग बच्चे के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पास में ही रहने वाले व्यक्ति द्वारा नाबालिग बच्चे के साथ घटना को अंजाम दिया गया था। शिकायत पर पुलिस ने गंभीरता दिखाई और 24 घंटे के अंदर ही आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। दरअसल मामला कनाडिया थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़ित नाबालिग 16 वर्षीय अपने परिवार के साथ पहुंचा और थाने पर शिकायत दर्ज करवाई कि पास में ही रहने वाला राजकुमार परमार नाबालिग बच्चे को मल्टी की छत के ऊपर ले गया और उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया। नाबालिग द्वारा अपने परिवार को इसकी जानकारी दी गई, जहां थाने पर पहुंचकर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 24 घंटे के भीतर ही आरोपी राजकुमार परमार को गिरफ्तार कर लिया है। कल अरावली परिसर निवासी नाबालिग बालक उम्र 16 वर्ष द्वारा थाना कनाडिया पर आकर रिपोर्ट की कि अरावली परिसर में रहने वाले राजकुमार परमार द्वारा उसके साथ जो है 27 तारीख को 11 नंबर मल्टी की छत पर गलत काम दुष्कर्म किया गया है, जिस पर थाना कनाडा पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। चूंकि मामला बहुत ही संगीन और ग्रंट किस्म का था, इसी परिप्रेक्ष्य में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में तत्काल कार्रवाई करते हुए घटना के आरोपी राजकुमार उर्फ नटिया परमार उम्र 22 साल निवासी अरावली परिसर को गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया। व्यापारी के बेटे को हनी ट्रैप का शिकार बनाकर ब्लैकमेलिंग के मामले में पुलिस ने फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी संजय चौहान ने पुलिस कर्मियों महिला व्यापारी को ब्लैकमेल कर मांगे थे 50 लाख रुपए। दरअसल MIG थाना पुलिस में मंदसौर के एक व्यापारी के बेटे रवि अग्रवाल ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि कुछ दिनों से एक महिला पुलिसकर्मी और उसके साथ मिलकर कुछ लोगों ने उसके अश्लील फोटो और महिला द्वारा दुष्कर्म की झूठी रिपोर्ट लिखाकर ब्लैकमेल कर 50 लाख रुपए की मांग की। काफी दिनों तक प्रताड़ित होकर आखिरकार फरियादी ने प्रकरण से बचने के लिए 25 लाख एडवांस में भी दे दिए थे, लेकिन ब्लैकमेल करने वाले पुलिसकर्मी और महिला उसके अन्य साथियों द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसकी शिकायत थाने पर की गई थी, जहां पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर महिला और उसके अन्य साथियों को गिरफ्तार किया था। वहीं एक आरोपी संजय चौहान भी लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसे देर रात पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया। बताया जा रहा है कि ब्लैकमेल के मामले में अन्य और भी कई लोगों की भूमिका शामिल है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है। ये रवि अग्रवाल वाला मामला है, जिसमें पुलिस पे भी आक्षेप लगे थे और साथ साथ एक महिला पर भी आक्षेप लगे थे कि वो ब्लैकमेल कर रही हैं। उसमें एक और अभियुक्त जो आज गिरफ्तार हुआ है, उसका नाम संजय चौहान है। उसको SI सीमा और अमित कटियार और स्टाफ के द्वारा जो है घेराबंदी करके उसको पकड़ा गया है। कल उसको न्यायालय पेश कराएंगे। धार के कुक्षी में अवैध शराब को लेकर IAS अधिकारी पर हमला करने के मामले में फरार चल रहे 10,000 रुपए के इनामी शराब माफिया रिंकू भाटिया को देर रात इंदौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। आरोपी पुलिस को चकमा देकर दिल्ली भागने की फिराक में था। दरअसल धार जिले के कुक्षी में अवैध शराब परिवहन को लेकर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान IAS अधिकारी द्वारा एक ट्रक को जब्त किया गया था। ट्रक में मौजूद लोगों द्वारा अचानक से IAS अधिकारी और अन्य कर्मचारियों पर हमला कर दिया गया था, जिसके बाद मामला पुलिस में पहुंचा और प्रकरण दर्ज कर शराब तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वहीं पूछताछ में सामने आया था कि शहर के सबसे बड़े शराब माफिया रिंकू भाटिया की शराब तस्करी के लिए गुजरात भेजी जा रही थी। पुलिस ने घटना में रिंकू भाटिया को भी आरोपी बनाया था, जिसके बाद से रिंकू भाटिया लंबे समय से फरार चल रहा था। कल सूचना पर एरोडम थाना पुलिस ने देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट पर दिल्ली भागने से पहले ही आरोपी को गिरफ्तार कर धार पुलिस के हवाले कर दिया है। आरोपी रिंकू भाटिया पर 10,000 का इनाम भी घोषित था। ये रिंकू भाटिया प्लेन से बाहर जा रहा है, उसको राउंड अप करना था, तो जैसे आदेश मिला एयरपोर्ट पर पहुंच गए और CISF थाने के फोर्स उसको राउंड अप करा और धार पुलिस भी आ रही है। धार पुलिस धार में केसेस के खिलाफ उनको हैंड ओवर करना है। सर